मैं हूं आपका कुंदन सिंह, आपका अपना न्यूज चैनल SKH न्यूज अब नेट विजन पे भी उपलब्ध है। SKH न्यूज से जुड़े सभी दर्शकों को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए SKH न्यूज के साथ। हम दिखा रहे हैं शहर के वार्ड नंबर 27 के गोपीनाथ रोड से विगत कई वर्षों से सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जहां स्कूली बच्चों के साथ रिक्शा टेम्पो पलटने से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। आज उक्त गड्ढों को मिट्टी गिट्टी डालकर क्षेत्रीय पार्षद हरिओम गुप्ता उर्फ चटनी ने क्षेत्रीय जनता के कहने पर भरवाने का काम किया। पार्षद ने बताया कि नगर निगम से कोई सुविधा नहीं मिली है, कई बार शिकायतें की गई लेकिन भाजपा पार्षद ने होने के कारण उसकी नहीं सुनी जा रही है। फिरोजाबाद से सुरेखन चित्तौड़ी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। बोलो चाचा। हाँ चल तो हमारे क्षेत्र के पार्षद सत्ता पक्ष के न होने के कारण हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे मेयर साहब से अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारे पार्षद जी हैं, उनका समस्याओं को सुने और उसका निवारण करें। अब दो तरह फोन आया हो चाचा तुम्हारे पास, देख लो नंबर। हाँ जी, तुम्हारा क्या नाम है? हरिओम कुमार गुप्ता। अच्छा, आप कौन है? पार्षद वार्ड नंबर 27। क्या समस्या है तुम्हारे क्षेत्र? समस्या ये है कि साहब यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा है। अच्छा। और भ्रष्टाचारी इतनी सीमा पर है कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। हाँ, अधिकारी पैसे ले रहे हैं, उनका काम हो रहा है, यहाँ गड्ढे भी इतने हैं कि जनता इतनी परेशान है कि जो रिक्शे में मरीज जाता है और गड्ढे में गाड़ी भर जाती, मरीज नाले में रोता है, रिक्शा वाला कहीं होता है। अच्छा, तो आप ये कचरा कहाँ से ला ला के डाल रहे हैं? पुल पार से लेके आया हूँ और बेचारे जमादार की ठेली में लेके आया हूँ, पामड़ा खुद लेके आया हूँ, खुद मैं उनके साथ भरवा रहा हूँ। जनता मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे कुत्ता के पीछे बिल्ली। नगर निगम में आपने किसी से कहा है? मैं इतना कह के हाथ जोड़ जोड़ के आ रहा हूँ, कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है साहब। जिंदगी में पहली दफा जो मान सम्मान मिला है वो भी मेरा बेकार जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, तुम्हारे क्षेत्र में क्या समस्या है? भाई देखिए, सरकार आप खुद देख रहे हो, सरकार कह रही है गड्ढा मुक्त, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी गड्ढा ही नहीं देख रहा है। और देख रहे हो आप, सब मैं आपको इस गड्ढे के माध्यम से कह रहा हूँ कि यहाँ पर गड्ढा देखो आप, जो भी जनता आती है रिक्शा में, रिक्शा गाड़ी में चला जाता है और जनता को इतनी